इसमें आज के दिन कुछ कहना अभी संभव नहीं होगा, पर किसी ऐसी ताकतों का जिनका देश के प्रति जिनकी मंशा ISI एजेंसीज वगैरह का हाथ कहीं भी झलक सकता है, परंतु लेट द इंक्वायरी हो जाए, उसके बाद में सारी बातें सामने आ पाएंगी। देखिए, आज नवजोत सिद्धू जी छत्तीसगढ़ इलाके के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रचार कर रहे हैं, उसके बाद में मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों वहाँ स्टेट्स में जाके वो प्रचार करने जाएंगे। नक्सल इन्फेस्टेड एरिया, वहाँ पे नक्सलवादी घटनाएं घटती रही हैं। अमृतसर में बड़ा धमाका हुआ है और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें, जहां पर निरंकारी भवन में धमाका हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, 10 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस अभी जांच में जुटी है कि आखिर वो 2 लोग कौन थे जो बाइक पर सवार होकर आए और जिन्होंने ये धमाका किया। और अभी तक की जो जांच है उसमें ये बात भी सामने आ रही है कि ग्रेनेड फेंके गए और अभी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो ग्रेनेड थे उनकी मारक क्षमता कितनी थी, और जो वहां पर CCTV फुटेज है उसकी भी जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस धमाके के पीछे किसका हाथ था। लेकिन यकीनन बेहद ही दर्दनाक ये हादसा हुआ है अमृतसर में, जहाँ पर 3 लोगों की बेमौत जान चली गई और अभी तक प्रशासन के हाथ खाली है, क्योंकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि वो जो 2 लोग वहां पर आए थे वो कौन थे। और ये ना हम समझौता करेंगे, और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये इनके साथ लड़ने के लिए हमारी सरकार, हमारे पंजाब के लोग बिल्कुल तत्पर तैयार हैं, और पंजाब से भी आतंकवाद के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। आज यहां पे मैं महसूस करता हूं कि पंजाब सरकार ने बहुत दफ़ा केंद्र की सरकार को भी फीडबैक दिया था कि विदेश में बैठे हुए जो आतंकवादी ग्रुप है वो रीग्रुप हो रहे हैं और रेडिकल ग्रुप फिर से पंजाब में हरकतें कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये हमारी सुरक्षा बल की और हमारी इंटेलिजेंस की चूक है, और चूक कहां की हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, आपने कहा कि हमारा पंजाब बिल्कुल हाई अलर्ट पे है, हमारी फोर्सेज बिल्कुल हाई अलर्ट पे थी, और फिर भी ऐसे मौका वो तलाश लेते हैं कि यहाँ पे कोई जाने वाला ना हो। ये गांव है और ये यहाँ पे ऐसी घटना हुई है, अभी हम लोग आए हैं और कहाँ चुक हुई है और उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन होगी। और मैंने आपको कहा है एक बात के लिए कि आप सब दोस्त जानते हो कि पंजाब को पहले ही बहुत दफ़ा उन लोगों ने कोशिश ऐसे की है, फिर कोशिश उन लोगों ने ऐसी की है, लेकिन पंजाब के लोग हमेशा बहादुरी से इन सब का मुकाबला करते रहे हैं और हम डरने वाले नहीं हैं, फिर इनका मुकाबला करेंगे, चाहे जितना भी जोर लगा लें आतंकवादी पंजाब को बर्बाद नहीं होने देंगे। मैं कह रहा हूं कि सुरक्षा बल का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है, चाहे केंद्र की है चाहे पंजाब की। और हमारे साथ CM के सलाहकार रविंद्र ठुकराल साहब जुड़ रहे हैं। ठुकराल साहब, ये जो हादसा हुआ है, 3 लोगों की जान चली गई, अलर्ट जारी होने के बाद भी आपके राज्य में इस तरह का हादसा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? और हम उनसे बाद में संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां अमृतसर में धमाका हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, 10 लोग घायल हैं। हालांकि आंकड़ा और बढ़ सकता है, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि इस धमाके के पीछे कौन हो सकता है। हालांकि राज्य में अलर्ट जारी किया गया था और ये बात भी सामने आई थी कि जाकिर मूसा जो है वो पंजाब में देखा गया है और उसके साथ उसके अन्य साथी भी यहां पर मौजूद हैं और उनके पोस्टर भी चिपकाए गए थे बाकायदा, और लोगों से सावधान रहने को कहा भी गया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ धमाका हुआ है। और हर रविवार को यहाँ पर एक धार्मिक कार्यक्रम होता है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं, और इसी चीज का फायदा उठाकर यहां पर यह ब्लास्ट किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके, और बहुत हद तक वो लोग अपने मंसूबे में कामयाब रहे और यहां पर प्रशासन फेल नजर आया, क्योंकि इतने बड़े कार्यक्रम में वहां पर आसपास ना ही कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद था। अगर शायद वहां पर सुरक्षाकर्मी मौजूद होते तो उन दोनों को पकड़ा जा सकता था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही है कि जहां इतनी बड़ी संख्या में कार्यक्रम हो रहा है वहां पर पुलिस का एक अधिकारी मौजूद नहीं था, और 3 लोग बेमौत इस धमाके में मारे गए। और जो धमाका हुआ है वो
ग्रेनेड से हुआ है, अभी तक की जानकारी में ये सामने आया है। और जो दो बदमाश जो यहाँ पर आए थे, जिन्होंने ये धमाका किया, उनके हाथ में राइफल भी थी। जो चश्मदीद है उनका कहना है कि उन्होंने फायरिंग की और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अमृतसर में ये बड़ा हादसा हुआ है और हम आपको बता दें कि खुफिया ब्यूरो को ये जानकारी मिली थी कि कश्मीर में ऑपरेट करने वाला आतंकी जाकिर मूसा फिरोजपुर आया है। और ये भी बात सामने आई थी कि जाकिर मूसा ग्रुप के सात आतंकी फिरोजपुर आए हैं और इन आतंकियों को अमृतसर में देखा गया है और उसके बाद वहां पर अलर्ट जारी किया था और उसके साथ ही गुरदासपुर, पठानकोट और उसके आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया था। लेकिन जिसके बाद प्रशासन फेल होता है और ये हादसा हुआ जिसमें तीन लोगों की मौत की धमाका हुआ है और जिसमें तीन लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक की जा चुकी है। चार दिन पहले पठानकोट में एक संदिग्ध आतंकी को देखा गया था जो इनोवा कार छीनकर वहां से भाग गया था और उसकी सीसीटीवी तस्वीरें पंजाब पुलिस ने जारी भी की थी। लेकिन उसके बाद इस तरह का रवैया अपनाया जाता है कि कोई बड़ा हादसा हो और उसका जो तस्वीर है वो इस धमाके के जरिए सामने आई है जहां पर तीन लोगों की मौत हो गई है और 10 लोग घायल हैं अभी तक। दो लड़कों को विस्फोट करते हुए यहां पर देखा गया। जो चश्मदीद हैं उनका कहना है कि बाइक पर मुंह पर कपड़ा बांधकर दो लोग यहां पर आते हैं और एक पदार्थ यहां पर फेंका गया जिसके चलते ये धमाका हुआ और जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई। हालांकि पुलिस अभी भी कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस का कहना है कि वो अभी पूरे मामले की जांच करेगी और उसके बाद मीडिया से बात करेगी और कोई भी इस मामले पर अभी सामने नहीं आ रहा है और प्रशासन की लापरवाही है जहां पर अलर्ट होने के बावजूद इस तरह का धमाका हुआ जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई, 10 लोग घायल हो गए। हर रविवार को यहां पर एक कार्यक्रम होता है जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं और इसी का फायदा उठाया गया। बाकायदा पहले यहां पर रैकी की गई क्योंकि उनको पता था कि आज के दिन यानी रविवार के दिन यहां पर एक कार्यक्रम होता है और ज्यादा संख्या में लोग यहां पर जुटते हैं, तो उनकी पूरी प्लानिंग थी कि अगर यहां पर हम धमाका करते हैं तो जानमान का काफी नुकसान होगा और वैसा ही उन्होंने किया जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई। राजासांसी के निरंकारी भवन में ये धमाका हुआ है। अमृतसर का पूरा मामला है और इस वक्त की ये बड़ी खबर है जहां पंजाब फिर से धधक रहा है और न्यूज 18 इंडिया लगातार इस खबर पर बना हुआ है।